ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इंटर्नशिप सीजन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अजय भाई ने भी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, वो DTU में पढ़ते हैं, तो वहां पे इंटर्नशिप सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ कंपनीज आ चुकी थी, IIIT दिल्ली के अंदर भी इंटर्नशिप प्रोसेस हमारे रिजल्ट आने के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो आज इस वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ, यही सब शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं इस चैनल पे अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी कॉलेज जर्नी, अपने कॉलेज एक्सपीरियंसेस को तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इंटर्नशिप्स होती क्या है, इंटर्नशिप्स में कौन कौन सी कंपनीज आती है, कितने पैसे मिलते हैं, मेरी क्या प्रिपरेशन चल रही है इस वक्त उसके लिए, कब होती है इंटर्नशिप्स। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, 500 लाइक्स का एम है। एंड लेट स्टार्ट आफ्टर द इंट्रो। तो यार एक्चुअली मैं मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाते हैं, वहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इतने अच्छे मौसम में। तो गाइस पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंटर्नशिप्स होती क्या है। देखो यार, इंटर्नशिप्स बेसिकली कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इंटर्नशिप समझ लो यार, एक कंपनी है, वो इंटर्न्स को हायर करती है। क्यों हायर करती है? बिकॉज यार उनसे अपना काम कराने के लिए, उन्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह कराने के लिए। उनसे कंपनी का क्या फ़ायदा होता है कि कंपनीज़ के यार जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट होने लग जाते हैं। खैर वो काम वो सेम एम्प्लॉयज़ से भी करा सकती है, लेकिन थोड़े कम पैसों में इंटर्नशिप्स में जो इंटर्न्स आते हैं उससे वो सेम काम करा लेती है। और जो इंटर्न्स होते हैं उनको फ़ायदा ये मिलता है कि उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है। और भी यार बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इंटर्नशिप्स के पीछे। बेसिकली इंटर्नशिप में कुछ नहीं होता यार, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे किसी कंपनी में काम किया जाता है, वहाँ पे वर्क कल्चर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती है। कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं होगा, जितनी भी कंपनीज हैं टॉप टॉप वो आएंगी और वर्चुअली अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अभी कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि जो इंटरव्यूज़ हैं, जो टेस्ट हैं, वो हम फिजिकली जाके नहीं दे सकते हैं, तो सारा प्रोसेस वर्चुअली होने वाला है। इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले एक कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी, जो हमारी इंटर्नशिप की फर्स्ट कंपनी थी, वो है यार BMW। हाँ, जो गाड़ियाँ चलती है यार BMW की, तुम्हें पता ही होगा। तो यार काफ़ी अच्छा लगा देख के, सबसे पहले तो BMW आई है हमारे कॉलेज में। तो BMW का क्या सीन था यार, वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप चाहते थे और उसके अंदर हमें पूरा सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ता। तो मैक्सिमम बच्चों ने कॉलेज में अप्लाई नहीं किया और मैंने भी अप्लाई नहीं किया, बिकॉज कॉलेज का सेमेस्टर छोड़ के मैं BMW में काम तो नहीं करने वाला थी। लेकिन जो वर्क था वो हमारा सॉफ्टवेयर का वर्क नहीं था बिल्कुल भी, तुम्हें मैनेजमेंट वगैरह का काम करना था, कम्युनिकेशन वगैरह का काम करना था, इसीलिए भी यार कई बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले एग्ज़ाम्स के बारे में बता देता हूँ कि वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखो यार, पहले वो हमारे एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर हमें कोडिंग करनी होती है, कोडिंग राउंड्स वगैरह होते हैं, उसमें जब हम पास हो जाते हैं उसके बाद यार वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में जब हम पास हो जाते हैं, वो अलग अलग राउंड्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, कि कितने राउंड लेगी वो उस पर डिपेंड करता है। HR राउंड वगैरह होता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे पहले वो CGPA का हमें बता देते हैं कि इस कंपनी के लिए तुम्हारी 7 CGPA इंपॉर्टेंट है, 6 CGPA इंपॉर्टेंट है या 9 CGPA इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पहले ही बता देते हैं। अब अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो यार IIIT दिल्ली का जो करिकुलम है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, CGPA है जिसमें तुम कंपनीज में बैठ सकते हो, तो यार वो है 6 CGPA। लेकिन अगर तुम DTU की बात करो, वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी CGPA सबकी आ जाती है, तो वहाँ पे तुम्हारा 7 का क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मुझे अजय भाई ने बताया है। तो गाइस यार अब बात करते हैं मेरी, कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटर्नशिप्स के लिए या नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, मैं चीज़ें घुमाऊंगा नहीं, सीधा बता दूंगा कि यार अभी मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ इंटर्नशिप्स के लिए, जबकि मुझे लगता है कि यार मेरी कोडिंग स्किल्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टार्टिंग से ही जब मैं कोडिंग करता हूँ मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ इस चीज़ में, लेकिन स्टिल मैंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। अब तुम पूछोगे क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, तो देखो यार ये जो चैनल है हरमन सिंह बीइंग IIITian, इस पर यार मैं काफ़ी सीरियसली इस वक्त वर्क कर रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, पूरा दिन दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट कॉन्टेंट मैं लेकर आऊँ, ठीक है। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, सबसे पहले मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिन्होंने भी अप्लाई किया, जिन्होंने टीम बीइंग IIITian में शामिल होने के लिए यार फॉर्म भरा और मुझे ईमेल किया, ठीक है यार मैं सबको पहले थैंक्स बोलता हूँ। मैंने बोला था कि मैं पे नहीं कर पाऊँगा इस वक्त, लेकिन इतने अच्छे अच्छे मुझे, इतने टैलेंटेड बच्चों ने मुझे यार मेल करा, उन्होंने बोला भैया पैसों की बात नहीं है, हमें आपके साथ काम करना है, मतलब सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यार इतनी मेहनत इस चैनल पे हो गई है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी में किसी मैनेजर किसी CEO के अंडर काम करके
उनका फायदा कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं अभी जब मेरी एज है यार, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने किसी चीज़ पे काम करता हूँ, जैसे कि मैं एक मेंटरशिप ऐप पे भी काम कर रहा हूँ काउंसलिंग के लिए तुम लोगों के लिए। तो क्यों ना पहले खुद के लिए ट्राई कर लो, उसके बाद प्लेसमेंट तो आराम से लगी जानी है, बिकॉज इंटर्नशिप मुश्किल लगती है और प्लेसमेंट ईजीली लग जाती है। और इस बार इंटर्नशिप्स और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज COVID-19 की वजह से कंपनी ज़्यादा इंटेक नहीं कर रही है, ज़्यादा पैसे नहीं दे रही है। बाकी यार जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, मैं उन सबको एक ही बात बोलता हूँ कि यार देखो, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मुझे सिलेक्ट करने हैं उसमें से कुछ 5 या 6, बहुत कम लोगों को ही मुझे सिलेक्ट करना है, ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार अगर तुम नहीं सिलेक्ट होते हो तो यार आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू वेरी मच, तुमने अप्लाई किया, सोचा कि यार हाँ भैया के साथ काम करेंगे। यार थैंक यू, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तुमने अप्लाई किया यही बहुत बड़ी बात है। बट अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जब ऐप लॉन्च होगा तब और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तुम लोगों के लिए, तो टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने पैसे मिलते हैं जो इंटर्नशिप में कंपनीज़ आती है। देखो यार, जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आती है तो वो हमें पूरा ईयरली पैकेज बताती है कि तुम्हें एक ईयर के अंदर 15 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, जो भी है। लेकिन इंटर्नशिप्स के अंदर यार तुम्हें पर मंथ बताया जाता है कि एक मंथ में तुम्हें कितने मिलने वाले हैं। तो यार ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो तुम्हें 20,000, 25,000 से लेके मैक्सिमम तुम्हें 70, 80 और 1 लाख तक भी देती है इंटर्नशिप्स में, अच्छे कॉलेजेस में। अच्छे कॉलेजेस से मेरा मतलब है यार NITs हो गई टॉप की, IITs हो गए टॉप की, IIITs हो, है ना। तो ये होता है यार तुम्हारा पे स्केल, तो ये भी तुम्हें पता चल चुका है। बाकी यार जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे स्टैट्स दिख रहे हैं, 2020 के IIIT दिल्ली के स्टैट्स हैं, ठीक है, प्लेसमेंट स्टैट्स हैं। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है, इस बार जो कोविड की सिचुएशन है, उसकी वजह से कंपनीज़ ठप पड़ी हुई हैं, उनके जितना टर्नओवर है वो बहुत नीचे आ चुका है। उसकी वजह से यार शायद देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी कंपनीज़ तुम्हें कम पे करें, एम्प्लॉयज़ को भी कम कर दे, और जितने बच्चों को पहले लेके जाती थी उतनों को ना लेके जाए। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि अभी रुक जाता हूँ, अभी अपनी चीज़ पे काम करता हूँ, अपने ऐप पे काम करता हूँ, प्लेसमेंट के वक्त प्लेसमेंट का देख लूँगा। बाकी अब ये बता देता हूँ इंटर्नशिप से तुम्हें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियसली इंप्रूव होगी, तुम वहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जो तुम्हारे बाद, तुम्हारे जिस चीज़ पे तुम काम करोगे उसमें हज़ारों लोग उस सर्विस को यूज़ करेंगे, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है ये। दूसरी चीज़, तुम टीम में काम करोगे, टीम में तुम्हें काम करना आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होगी, लोगों से बात कैसे की जाती है, प्रोफेशनल थोड़ा बन जाओगे यार बेसिकली। बाकी सबसे बड़ी चीज़, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा एक बड़ी कंपनी में काम करने का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, धूप भी आ चुकी है अब यहाँ पे। अब लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएगी, कमी नहीं होती, मतलब जब तुम एक अच्छे कॉलेज में आ जाते हो, ये मोटिवेशन भी हो सकती है तुम्हारे लिए, कमी नहीं होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की। अच्छे से अच्छी कंपनी आएगी, अच्छे से अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छे से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे तुम्हें, अच्छे से अच्छे फैकल्टी के अंडर काम करने का मौका मिल सकता है, रिसर्च का मौका मिल सकता है, जैसे IIIT दिल्ली के अंदर होता है, अगर एक कॉलेज जो रिसर्च ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो लाइफ में यार कमी नहीं है, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। इवन यार अगर तुम एक Tier 3 के कॉलेज में भी हो, या किसी भी कॉलेज में हो, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है, इस पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो यार लिंक्डइन के थ्रू तुम पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, और अच्छे से अच्छी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे सजेशंस दे देना और कौन कौन सी तुम्हें इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए हो, नीचे कमेंट्स में बता देना, तुम्हारा भाई बना देगा। धूप आ चुकी है, चलो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और अच्छा लगा तुम सबसे बात करके। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 12,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। चलो ठीक है, बाय।